कुल्लू पहुंचे लेह के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने कहा कि लेह से लेकर दिल्ली तक की जो पदयात्रा की जा रही है वो हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण लोक संस्कृति के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में इस पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से भी आग्रह रहेगा कि वो इस बारे में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाए। इस दौरान सीपीएस सुंदर ठाकुर ने भी सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात की और पदयात्रा के बारे में जानकारी ली। हिमालय की संरक्षण करने की जरूरत है और हिमालय में भी जो उच्च हिमालय हैं लद्दाख की तरह जहां पर सारे ग्लेशियर्स हैं उनकी, तो लद्दाख में संविधान का जो अनुच्छेद 144 में छठवां शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल, वो ऐसी संरक्षण देती है स्थानीय जनजातीय जो जनता है उन्हें अपने इलाके का प्रबंधन खुद करने के। मगर उसकी जो आश्वासन सरकार से मिली है उस पर अमल नहीं हुआ है। 2019 और 20 में सारे चुनाव घोषणा पत्रों में यही थे पहले बिंदुओं में, मगर फिर उसके बाद उस पर बात नहीं हुई और जो बातचीत हो रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं में वो भी रुक गया। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनका वचन और ये बातचीत दोबारा चले। तो ये है स्थानीय स्तर पर लद्दाख या हिमाचल या पूरे हिमालय का संरक्षण हो। भारतवर्ष में देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लद्दाख में भी यही हाल है क्योंकि 2019 में हमें यूटी मिला था तो उसके बाद जो है गेजेटेड पोस्ट का अभी 5 साल हो रहा है, गेजेटेड पोस्ट का वहां पे रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं युवाओं का क्या हाल होगा। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमारे युवाओं को कि भाई जॉब जो है वो देने का, लेकिन वो 2000 जॉब ही अभी तक दे पाए हैं। लेकिन उसमें जितने भी जो क्लास 4 के और ऑर्डरली के पोस्ट हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट तक ही उन्होंने निकाला, वो भी 2000 तक निकाला, लेकिन उसके बाद जो है अभी 1 साल हो रहा है कोई भी डिस्ट्रिक्ट कैडर डिविजनल कैडर अभी भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है।